सुचित्रा त्रिपाठी ने छोड़ी गोदी मीडिया, क्या बोलकर बीजेपी के नेता की बोलती बंद की? क्या बाबा के सहारे बीजेपी बिहार चुनाव जीतेगी? कर्नाटक में हारे, बिहार में अब धीरेन्द्र शास्त्री के सहारे। बीजेपी अब बागेश्वर वाले बाबा जैसे धार्मिक चेहरों का इस्तेमाल करके क्या 80 और 20 वाले कथित प्लान पर तो काम नहीं कर रही है? वहाँ पर मामला कमजोर पड़ गया है, इस वजह से बीजेपी के नेता शास्त्री जी के नाम पर वोट मांगने की तैयारी में। कर्नाटक की हार ने बीजेपी को बौखला दिया, क्योंकि बजरंगबली के सहारे चुनाव जीतने का सपना देख रहे भाजपा पर भगवान बजरंगबली का गद्दा चल गया है। और यही वजह है कि 2024 में बीजेपी के हाथ से केंद्र की सत्ता खोने का डर सताने लगी है। तो अब पूरी बीजेपी बागेश्वर धाम वाले बाबा के सहारे बैठ गई है। और यही वजह है कि एक बार फिर गोदी मीडिया बाबा के सहारे विपक्ष पर हमलावर हो गई है। लेकिन चित्रा त्रिपाठी ने बीजेपी के बाबा वाले इस खेल को घेर लिया है और उनसे पूछा है कि क्या कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के सहारे अब बिहार में चुनाव जीतना चाहती है। वहीं अब चित्रा त्रिपाठी ने अपने सवाल से गिरिराज सिंह की बोलती बंद कर दी है। कर्नाटक में भगवान बजरंगबली के नाम पर बीजेपी को जो करारी हार मिली है, लेकिन धर्म की राजनीति करने वाली भाजपा ने इससे अभी भी कुछ नहीं सीखा है। उसे उम्मीद है कि बिहार में धर्म की राजनीति करने के जरिए जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन को चुनौती दे पाएगी। अब भाजपा को इस बात का एहसास हो गया है कि मोदी नाम का कोई चीज नहीं बचा है, इसलिए बिहार में बागेश्वर धाम वाले बाबा का मंच सजाया गया, जो धार्मिक कार्यक्रम कम और राजनीतिक कार्यक्रम ज्यादा लग रहा था। जैसे ही बाबा बिहार पहुंचे तो बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी गाड़ी चलाकर उन्हें खुद ले गए। और जब मंच सजा तो बीजेपी के केंद्र मंत्री से लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के साथ दर्जनों नेता बाबा के सामने कभी हाथ जोड़े तो कभी उनकी आरती उतारते नजर आए। लेकिन बाबा के सियासी कार्यक्रम से सत्ता में बैठी आरजेडी और जेडीयू ने दूरी बना ली। वहीं जेडी के नेताओं ने कहा कि जिस कार्यक्रम में संविधान विरोधी नारे लगते हों, ऐसे कार्यक्रम में हम नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि गोदी मीडिया तेजस्वी यादव से लेकर नीतीश कुमार तक भूखे भेड़ियों की तरह लपक पड़ी है और सारे के सारे पत्रकार एक ही भाषा बोलने लगे हैं, जैसे मानो उन सबको भाजपा के कार्यालय से व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया था कि इस पर ही तुम लोगों को बहस करनी है। और सब के सब एक ही मैसेज लेकर बैठ गए हैं और कहने लगे हैं कि नीतीश और तेजस्वी के पास इफ्तार की फुर्सत मिल जाती है, लेकिन बाबा के कार्यक्रम में पहुँचने के लिए उनके पास समय नहीं है। तो पत्रकार के नाम पर टीवी पर बैठी बीजेपी के अन्य आधिकारिक प्रवक्ताओं को कौन बताए कि अगर नीतीश और तेजस्वी इफ्तार की दावत में जाते हैं तो छठ और होली के कार्यक्रम में भी जाते हैं। लेकिन टीवी पर बैठे लंगूर की दिक्कत ये है कि उन्हें वही पढ़ना है जो भाजपा ने उन्हें पढ़ने के लिए व्हाट्सएप पर भेजा है। लेकिन चित्रा त्रिपाठी ने कर्नाटक की हार से सबक ले लिया है। उसने बाबा के कार्यक्रम और कार्यक्रम में हाथ जोड़कर भाजपा नेताओं को वोट की राजनीति का पाठ पढ़ा दिया है। उसने बाबा के कार्यक्रम और कार्यक्रम में हाथ जोड़कर खड़े भाजपा नेताओं को वोट की राजनीति का पाठ पढ़ाते हुए कहा है कि कर्नाटक में हारे तो बीजेपी वाले बाबा के सहारे। कर्नाटक में हारे, बिहार में अब धीरेन्द्र शास्त्री के सहारे, ऐसे मुद्दे को लेकर आज शाम 5 बजे दंगल में होगी बड़ी चर्चा। मतलब चित्रा त्रिपाठी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी को अब बस एक ही आस बची है जिसके जरिए वो 2024 का चुनाव जीतना चाहती है, और वो आस है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री और उनके द्वारा दिया जा रहा हिंदू राष्ट्र का झुंझुना। और इसी बात पर चित्रा त्रिपाठी ने गिरिराज सिंह से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या बाबा के सहारे बीजेपी बिहार का चुनाव जीतना चाहती है, और इसी बात पर गिरिराज सिंह को जवाब दिया नहीं गया और वो इतनी सीधी बात को जलेबी की तरह घुमाने लगे। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन के बाद बीजेपी को 3-4 सीट के लिए भी बहुत मुश्किल से बिहार में मिलेगा, इसलिए बीजेपी को बिहार में करारी हार के सपने अभी से आने लगे हैं। तो अब चुनाव जीतने के लिए बीजेपी बाबाओं का सहारा लेने लगी है। कर्नाटक में हारे, बिहार में अब धीरेन्द्र शास्त्री के सहारे। बीजेपी अब बागेश्वर वाले बाबा जैसे धार्मिक चेहरों का इस्तेमाल करके क्या 80 और 20 वाले कथित प्लान पर तो काम नहीं कर रही है? वहाँ पर मामला कमजोर पड़ गया है, इस वजह से बीजेपी के नेता शास्त्री जी के नाम पर वोट मांगने की तैयारी। ब्यूरो रिपोर्ट, द कंटाप।